नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली शुक्ला। चलिए बात करते हैं मौसम की। सबसे पहले उत्तराखंड में 25 तारीख से अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पहाड़ों पर बरसात में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, लिहाजा लोगों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। 2013 में भारी बारिश बादल फटने की घटना एक साथ होने से केदार घाटी समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था, लिहाजा इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। पच्चीस से आगे जो 48 घंटे क्रूशियल हैं, वहां हम लोग भारी वर्षा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चेतावनी जारी की जा चुकी है, हो सकता है इक्का दुक्का जगह में थोड़ी भारी से भी थोड़ी ज्यादा मिल जाए। और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो डिस्ट्रिक्ट जो हमने खासकर चिन्हित किए हैं वो है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टेहरी आपके जो है गढ़वाल रीजन में। और कुमाऊं रीजन की बात करें तो कुमाऊं रीजन में हम पिन पॉइंट कर रहे हैं पिथौरागढ़ को, आपका नैनीताल को और अल्मोड़ा को। तो इस तरह से स्थिति बनी है और मध्यम भूस्खलन भी हो सकता है। सावधानी बरतें और जो आपके वल्नरेबल एरियाज हैं उसको अवॉइड करें। तो मसूरी में पहली बारिश में ही इंतजामों की पोल खुल गई है। यहां मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आ जाने से घंटों आवाजाही बाधित रही और कई घरों में पानी भी घुस गया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते नालों की गंदगी घरों तक घुस रही है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन के मलबे से मदद ली जा रही है जिससे उसे हटाया जा सके। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन पहली बारिश के बाद जिस तरह से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है उससे लोगों में आने वाली बरसात को लेकर काफी चिंता भी हो गई है। समस्त विभागों को देखिए, विशेषकर पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है, लिखित रूप से भी मौखिक भी, कि आप नियमित रूप से डेली बेसिस पे अपने सारे नाली और नालों की सफाई जारी रखेंगे ताकि ऐसी कोई अप्रिय समस्या आगे पैदा ना हो। बिल्कुल, जो भी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी, लेकिन सबको निर्देशित किया गया है तो आशा यही है कि सब अपने इस तरह की कोई स्थिति आने नहीं देंगे। फिर से दोबारा मानसून सर पर आ गया है और अभी तक किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं है। हमारे आसपास मैंने कई घरों में देखा, हमारे दफ्तरों में, ऑफिस में, घरों में, कई जगहों पर पानी का रिसाव इतना ज्यादा हो रहा है, कई घरों में मलबा घुस गया है। और ये हर साल की परेशानी है। पर्यटक कितना परेशान होता है, उसको रास्तों का नहीं पता, उसे कहीं से कहीं भटकना पड़ता है, आप रोड डाइवर्ट कर देते हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। ऋषिकेश में गंगा अपने वार्निंग लेवल पर बह रही है, बावजूद इसके प्रशासन अभी भी सुस्त बना हुआ है। यहां अभी भी नदी किनारे बसे लोगों को गंगा तट से हटाया नहीं गया है। आपको बता दें कि मायाकुंड, त्रिवेणी घाट, शीशम झाड़ी और चंद्रभागा बस्ती में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और बाढ़ आने पर इन बस्तियों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। उधर प्रशासन का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इन बस्तियों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। शासन को चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को अलर्ट करें कि जान माल का नुकसान न हो और लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और समय रहते सब लोग अपनी बचाव करें। एक चेतावनी जारी की गई है कि ऐसे लोग जो नदी के किनारे रह रहे हैं या नदियों में अतिक्रमण करके बसे हुए हैं उन्हें वहां से निकलने के लिए कहा गया है और पानी को बढ़ते हुए, पानी का स्तर बढ़ते हुए देख करके उनके लिए रहने के इंतजाम भी कराए गए हैं और जैसा भी स्थिति होती है उनको तत्काल वहां से इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। मानसून के मद्देनजर पौड़ी प्रशासन सतर्क हो गया है। दरअसल पौड़ी जिला आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। डीएम के मुताबिक मानसून को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नदी किनारे बसे लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं, साथ ही सड़कें खोलने के लिए जेसीबी मशीनों के भी इंतजाम किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि डीएम के परमिशन के बिना किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं लेने के निर्देश भी दिए गए। 24/7 डैश सिस्टम शुरू कर दिया है और हमारा ये दैवीय आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहता है। इसमें ड्यूटी अधिकारी लगी रहती है। जिले के समस्त विभागों को जो आपदा से जुड़े हुए हैं उन सबको निर्देशित किया गया है कि आपदा के समय सब लोग अलर्ट रहें और अधिकारियों की छुट्टी भी, जो अधिकारी आपदा जुड़े हैं वो बिना मुझसे छुट्टी लिए नहीं जाएंगे। पौड़ी देवप्रयाग रोड पर भी हमेशा डोजर तैयार रहता है, कोई आपदा मलबा आ जाए तो उसको साफ करने के लिए और जिससे आवागमन हमारा व्यवधान हो उसके लिए हमारे डोजर हमेशा तैयार रहते हैं।
उधर आज पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम भी सुहावना हो गया है। हालांकि प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्व अनुमान को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम विभाग ने 48 घंटे तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। आगे 48 घंटों के लिए वार्निंग जारी हुई है कि कुमाऊं के कुछ जिले और गढ़वाल में भारी और भारी से अधिक बारिश होने की संभावना है। जहां तक जिला स्तर पर तैयारी की बात है, उसमें आपदा प्रबंधन के माध्यम से और अन्य सभी जो हमारे 9 डिपार्टमेंट हैं, उन सबका हमने बैठक करके उनको सेंसिटाइज किया हुआ है। और अगर इस तरह की कोई घटना या इससे संबंधित कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरा जिला अलर्ट पे है। उधर पहाड़ का राजनीतिक मौसम भी दिनों बदला हुआ है। यहां बीजेपी आपदा राहत कार्यों में हुई धांधली को लेकर चुप बैठने को तैयार नहीं है, लिहाजा बीजेपी नेताओं ने सरकार की घेराबंदी भी तेज कर दी है। पिथौरागढ़ में प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह चौपाल ने आपदा पुनर्वास कार्यों में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आपदा पीड़ितों के साथ जौलजीवी से धारचूला तक की पैदल यात्रा की, जिसमें मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के ढूंगाटोली, बलवाकोट, घाटीबगड़, छालझुम और नया बस्ती, कालिका, कोठी, निदाल पानी के इलाके में भी रैली निकाली गई। साथ ही चौपाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आपदा के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। उन्होंने आपदा राहत कार्यों की सीबीआई से जांच करने की भी मांग उठाई है। विशेषकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो मुआवजा बांटा गया था, जो राहत सामग्री बांटी गई थी और जो निर्माण कार्य हुए थे, उनमें भारी अनियमितताएं पाई गई और जिसके प्रमाण भी आज हमारे पास सबूत है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमने सीबीआई की मांग की है कि जिस सरकार ने जिस प्रकार से घोटाले किए हैं, इस घोटाले की सीबीआई जांच की और बंदर बांट को बंद किया जाए। और जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह पदयात्रा गांव गांव तक जाएगी। वहीं मसूरी में योगाचार्य आचार्य भारत भूषण ने कहा है कि योग को धर्म के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण खुद को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। ऐसे में इन मंत्रों का संबंध किसी धर्म से नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग योग का विरोध अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर हम योग को अच्छे से जान लेते हैं तो इसमें कोई भी धार्मिक आस्था आड़े नहीं आती है, और बल्कि योग के जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने योग को अपनाया है, वो हर आस्था के लोग हैं। मंत्रों का जो सहारा है वो मन को एकाग्र करने का सहारा है। वहीं कोटद्वार में वन कर्मियों ने अधिकारियों पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी जताई है। दरअसल मंगलवार को सुखरो नदी में अवैध खनन रोकने गए उप प्रभागीय वन अधिकारी पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। हालांकि वन विभाग के एसडीओ की तहरीर पर पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति की चोरी और राजकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई अधिकारियों पर खनन माफिया हमला कर चुका है और उधर पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से खनन का सामान लेके जा रहा था तो उसने एसडीओ को कुचलने का प्रयास किया है। उसमें तहरीर के आधार पे जो भी धाराएं बनती थी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी अभी फरार है लेकिन उसके गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें आगे होगी वो पूर्ण की जाएगी। वहीं हरिद्वार के तहसील अक्सर में एसडीएम ने खाद गोदाम का औचक निरीक्षण किया और 625 बोरे खाद का विवरण नहीं मिलने पर गोदाम को सीज भी कर दिया है। एसडीएम के मुताबिक जरूरी दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसानों ने प्रशासन से खाद नहीं मिलने की शिकायत की थी। किसानों ने अधिकारियों पर कालाबाजारी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। इनके पास स्टॉक रजिस्टर तो मौजूद नहीं था लेकिन 20 तारीख को जो रिसीविंग इन्होंने दिखाई है उसके आधार पर 625 कट्टे कम पाए गए हैं, जो कि इनका कहना है कि इन्होंने नकद किसानों को दे दिया है। इसका भी कोई रिकॉर्ड अभी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो देखिए रिपोर्ट इसमें आगे प्रेषित की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। उत्तरकाशी के मातली में बियर बार खोलने का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने इसके विरोध में गंगोत्री मार्ग पर जाम लगाया, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों को भी दिक्कतें पेश आईं। दरअसल ग्रामीण बीते एक माह से बियर बार बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक यात्रा मार्ग पर बियर की दुकान खुलने से गलत संदेश जाएगा। ग्रामीणों ने अपना जाम तभी खोला जब प्रशासन ने उन्हें बियर बार बंद करने का आश्वासन दिया।
बड़ी खबर इस वक्त हरिद्वार से आ रही है। यहां पर विजिलेंस की टीम ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात क्लर्क को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। पकड़े गए क्लर्क का नाम इंतजार अली है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरिद्वार से।